गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं मोटापे के बारे में। मनचाहा मोटापा कैसे घटाएं, पेट की चर्बी और मोटापे को कैसे घटाएं। क्या होता है कि आपने आजकल देखा ही होगा कि लोग मतलब कुछ भी बाहर की चीज़ें खा खा के अपने फैट को बढ़ा लेते हैं और फिर बाद में वो एक्सरसाइज कुछ बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। और मैं आज आपको एक बहुत सहल तरीका बता रही हूँ जिससे कि आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये आपकी समस्या को सॉल्व कर देगा। अगर आपका मोटापा यानी कि फैट बढ़ा हुआ है, पेट की चर्बी ज़्यादा, पेट दिख रहा है मतलब सेट से भी, कई बार आपने देखा होगा कि पेट सेट से भी बाहर आ रहा होता है। तो चलिए, अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप क्या करें। हाँ, एक्सरसाइज का हर किसी को टाइम नहीं मिलता है। एक्सरसाइज से भी पेट का मतलब वजन घटाया जा सकता है, मोटापा कम किया जा सकता है। लेकिन अगर क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, काम में इतने बिजी हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए। हाँ, तो अगर आपको इस चीज़ का टाइम मिल रहा है और आप मोटापा घटाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको बस रोज़ाना ये कुछ दिनों फॉलो करना है, मतलब एक हफ्ते तक आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, एक चम्मच जीरा लेना है और रात को इसे भिगो कर एक गिलास, मतलब जितना भी आप पिए एक कप पानी में भिगो कर रख देना है। उसके बाद आपको सुबह उठ कर ही इस जीरे को निकाल लेना है और उसे चबा चबा कर खाना है। और मतलब आपको ध्यान रहे कि आपको सलाद वगैरह ब्रेकफास्ट में खाना है और ब्रेकफास्ट नहीं करना है जैसे और चीज़ों का, सलाद वगैरह का कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप कुछ और खाते हैं तो आपको इसका अच्छा फ़ायदा नहीं मिल सकता है। तो अगर आप अच्छा फ़ायदा देखना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में आप सलाद ले सकते हैं। और तो ये ज़ीरा आपको चबा चबा कर खाना है। और दूसरा, ये जो इसका पानी है, जीरे का जो पानी बचेगा उसको आपको हल्का गर्म करके पीना है, नींबू उसमें डालकर थोड़ा सा वो पीना है आपको। इससे आपका जो वजन है, जो पेट की चर्बी है वो आसानी से घट जाएगी। तो एक हफ्ते तक आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, एक हफ्ते तक करना है। और जैसा आपका मोटापा, जैसी आपकी चर्बी है उस तरीके से आपको इसको लगातार फॉलो करना है, लगातार इसको पीना है जब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। तो ऐसा आपको रोज़ाना करने से बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिलेंगे और बहुत ही अच्छा ये उपाय है आपकी चर्बी को कम करने का। क्योंकि चर्बी मोटापा ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, मोटापा कई बीमारियों का कारण बनता है। एक तो मोटापा जिसको आ जाता है तो ये मतलब दूसरे भी उसे चिढ़ाते हैं, तो ये सच है कि नहीं। तो अच्छा गाइस, अगर आपको सच में मोटापा है तो आप इसे ज़रूर फॉलो करिए। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपका ये जो चर्बी है, जो मोटापा है, वो आसानी से घट जाएगा। और हाँ, और जब भी आपका मोटापा आपको नज़र आए, आपको लगे कि हाँ मोटापा थोड़ा कम हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए अगर उनको भी ऐसी समस्या है। अच्छा, बाय बाय।